वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। आज हम बनाएंगे सेकंड पार्ट ऑफ कीवे वाइस। तो पिछले पार्ट में हमने मेन स्लाइड इसकी बनाई थी फर्स्ट पार्ट, तो आज उसका सेकंड पार्ट हम क्रिएट करेंगे। ये जस्ट इसके पीछे वाली स्लाइड है जिससे जो मेन वाइस है वो पूरा अप डाउन होगा और एडजस्टिंग होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। राइट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद एक सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करना है और इसका डायमेंशन दे देना है 125। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है। मिड प्लेन और इसकी विड्थ रहेगी 38 mm। फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम एक स्केच क्रिएट करेंगे। सेंटर लाइन यहाँ पे पहले अप्लाई कर देनी है और इसके साथ हम यहाँ पे एक स्केच क्रिएट करेंगे। एक यहाँ भी स्केच क्रिएट करना है हमें। स्केच सेम है लेकिन इसके डायमेंशन अलग अलग रहेंगे। तो इसकी हाइट 17.8 mm, 17.8 mm। और इसकी हाइट रहेगी 28.50, जबकि इसकी इसकी हाइट रहेगी 23.50 15 mm। तो इस तरह से हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है। सिंपली फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल और ओके करना है। फिर से इसको एडिट में जाना है। एक स्केच और यहाँ पे बनाना हम भूल गए हैं, तो यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल सिंपली इस तरह से इसको सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन सिमेट्रिक। इसकी हाइट रहेगी 50 mm, और यहाँ से इसकी लेंथ रहेगी 20 mm। ये लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अप्लाई कर दीजिए और ओके करना है। फ्रंट प्लेन यहाँ पे हम एक सेंट्रल लाइन क्रिएट करेंगे। सेंट्रल लाइन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे
इस तरह से लाइन क्रिएट करनी है। इस लाइन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को होल्ड करके होल्ड करना है और सिर्फ सिमेट्रिक करना है। थ्री पॉइंट आर्क ट्वेंटी एट एम एम इसकी विड्थ रहेगी। और इस फेस से सेंटर पॉइंट 10.5 mm। और यहाँ से इसकी लेंथ हम 3 mm दे देते हैं। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है। सिंपली मिड प्लेन यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमें और इसकी हाइट रहेगी 30 mm। फिलेट फोर एम एम फिलेट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। फिर से फिलेट में जाना है और इस बार यहाँ पे 7 mm फिलेट अप्लाई करना है इस कॉर्नर में। इस फेस को सिलेक्ट करना है और होल विजार्ड में जाना है। होल विजार्ड में जाने के बाद यहाँ पे होल को सिलेक्ट करना है अनसीमेट्रिक और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टैप ड्रिल। टैप ड्रिल में हमें 16.2 mm इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिंपली हमें अप्लाई करना है अप टू नेक्स्ट पोजीशन। और ओके करना है। फिर से होल विजार्ड में ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ पे एक थ्रेड का फीचर है, इसे सिलेक्ट करना है। थ्रेड का फीचर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लोकेशन पूछ रहा है तो हमें लोकेशन हमारी ये रहेगी। इस होल को सिलेक्ट करना है और अप टू सिलेक्शन, तो अप टू सिलेक्शन हमें ये वाली फेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैट्रिक टैप ऑलरेडी सिलेक्ट है 16x2 mm पिच, ये हमारे थ्रेड रहेंगे। यहाँ पे ऑफसेट कर देते हैं हम रिवर्स साइड में 5 mm और ओके करना है। तो देखिए हमारे थ्रेड यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। सिंपली हमें यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक स्केच क्रिएट करना है। सेंटर सर्कल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इसका डायमेंशन रहेगा 80 mm। ओके, फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। ब्लाइंड कंडीशन 8 mm। फिर से फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम एक
कंस्ट्रक्शन सर्कल क्रिएट करेंगे। इसका डायमेंशन रहेगा 100 mm, होल सर्कल को सिलेक्ट करना है और फॉर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे हम दो टैप ड्रिल क्रिएट करेंगे। होल विजार्ड में जाना है। होल विजार्ड में जाने के बाद हमें यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, स्ट्रेट टैप। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अनसीमेट्रिक टैप होल और इसमें साइज हमें कौन सी सिलेक्ट करनी है, 10x1.5। लाइन कंडीशन अप टू 17.5। पोजीशन स्पेस को सिलेक्ट करना है और एक होल यहाँ पे अप्लाई करना है और एक यहाँ पे करना है और ओके करना है। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे टैप होल भी अप्लाई कर दिए हैं। यहाँ पे हमें थ्रेड्स शो नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे सेटिंग में जाना है हमें। सेटिंग में जाने के बाद डिटेलिंग में जाके यहाँ पे शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड है इसको टिक कर देना है और ओके करना है। इसका कलर अप्लाई कर देते हैं हम। पहले इसका अपीयरेंस में जाने के बाद मेटल में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है आयरन में कास्ट आयरन। कलर अप्लाई कर देते हैं इसमें। इस फेस को हम अलग कलर दे देते हैं। अब इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है क्योंकि ये स्लाइड है और एक फेस इसको सिलेक्ट करना है। स्टील में जाना है। स्टील में जाने के बाद यहाँ पे सैटिन फिनिश स्टेनलेस स्टील इसको सिलेक्ट करना है। इसमें भी हम यही चीज अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा सेकंड वाला पार्ट भी क्रिएट हो चुका है। इसको सेव कर लेते हैं हम। हमने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया था, इसके अंदर ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। पार्ट 02 सेव। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।